सो व्हाट्स अप माय ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अपने बहुत दिनों बाद ये चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा व्लॉग सीरीज होने वाला है, मतलब ये आज का मैंने 24 आवर्स का चैलेंज लिया। हम लोग दो बाइक एक साथ बनाने वाले, आप लोगों को बता दो कौन सी बाइक है। ये है R15 वर्जन 2 2012 मॉडल। काफ़ी ज़्यादा मतलब खराब कंडीशन में थी, आगे पीछे का कुछ था नहीं इसमें, ना चेसिस थी, एकदम रस्टेड हो गया था। खाली इंजन एंड चेसिस के बेस पे हम लोगों ने पूरी बाइक को भी धीरे धीरे कंप्लीट करके रेडी किया है। बट अभी से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें थी, वो मैकेनिकल थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट की है अभी यहाँ इस पर, और कंप्लीट इसका भी चेसिस पेंट हुआ है। एंड वेयर इज यहाँ पे भी सेम एक R15 है जिसका भी फिटिंग स्टार्ट हो गया। ये दोनों अलग अलग बॉडी किट, उसमें भी अलग बॉडी किट लग रही है, इसमें भी अलग बॉडी किट लग रही है। एंड एक का जो स्कीम है वो है रेड एंड ब्लैक, जो एक वीडियो था अपना 1 मिलियन प्लस गया था, सेम उसी तरीके से बना रहे। एंड ये वाला जो है सिल्वर एंड ब्लैक रहेगा। ये तो ये दो कॉम्बिनेशन है इसका, तो पीछे का टेल जो इसका ब्लैक रहने वाला था, अभी इसका इतना फिट हो गया। और मेन क्या, अभी यहाँ का जो है ये फिट करने वाले, ठीक है, और हेड का पोर्शन फिट करने वाले। तो ये दोनों बाइक देखते हैं, अभी टाइम भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं कितना हो रहा है। टाइम अभी हो रहा है 8:21 एंड थोड़ी देर में देखते हैं कितना टाइम लगेगा अपने को पूरी बाइक का कंप्लीट फिटिंग करने में। बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते रहूँगा कि अभी क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और देखते हैं कितने घंटे में फिट होगा। बीच में घंटे का लंच ब्रेक है, अब फिर उसके बाद देखेंगे। सो गाइज, अभी हो रहा है 12:18 एंड यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा आग का प्रबंध किया गया कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। एंड फिटिंग की बात करो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फिटिंग हो चुकी है वाली बाइक की, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड से तो कंप्लीट फिटिंग हो गई है, खाली मडगार्ड बाकी, और एक इधर का एक डैशबोर्ड का मतलब जो कवर आता है वो करना है बस। एंड ये बाइक की बात करें तो ये भी एक साइड से फिटिंग पूरी तो नहीं हुई है बट हो गई है। अभी इसमें टेल टैंक एंड हेड का इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बराबर। एंड इसका साइड पैनल का भी इंस्टॉलेशन हो गया, देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो दोनों बाइक साथ में ही रेडी हो रही है। अभी इसका अंडरबेली लगाने का एंड उस तरफ का पैनल के लिए थोड़ी बहुत वेल्डिंग्स करनी है क्लैंप की, तो वो मैं कर लेता हूँ और थोड़े बहुत टाइम लग्स देख लो। सो गाइज, अभी रात के 2 बज रहे एंड भाविक चला घर पे, और यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन मतलब साइड का पूरा फिट हो चुका है। इसका अंडरबेली बाकी है, क्लैंपिंग करना है। तो रात में हम लोग ग्राइंडर वो सब नहीं चलाएंगे क्योंकि आजू बाजू बहुत शोर होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने इस तरफ का भी कर दिया, सिर्फ अंडरबेली छोड़ दी है ये वाली देख रहे हो आप, वो बाकी सब कुछ फिट कर दिया है। वायरस इसमें भी एक तरफ की अंडरबेली छोड़ दी है, बाकी सब कुछ फिट हो गया इसका भी। ये देखो वही बात है, क्लैंपिंग के लिए हम लोग ने छोड़ दिया। ये देखो पूरा इस तरफ से अंडरबेली छोटी है, बाकी इस तरफ से गाड़ी पूरी रेडी है। आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है? ये सिल्वर एंड ब्लैक एडिशन है, थोड़ा सा म्यूटेड है, आप लोगों को कौन सा लगता है? ये तो मतलब ये थोड़ा फायर रेड है ना, तो दिखती है गाड़ी, मतलब कि हाँ गाड़ी है ये, मतलब थोड़ी डिसेंट है ऐसा। सो गाइस, टुडे इज द नेक्स्ट डे एंड जैसे रात को पता था ये बाइक हो चुकी है कंप्लीट। अपने क्या करने का भी, उस तरफ की जो अंडरबेली उसका पट्टी बनाने का एंड इसके दोनों बाजू का पट्टी बनवाने का, बस और कुछ काम नहीं है। दोनों कंप्लीट हो गई, साइलेंसर कवर अभी जस्ट भाविक आया लेके आया, तो इसको लगा कि ये तो हो गई। एंड इसका भी अभी अंडरबेली का दोनों साइड, एक साइड का क्लैंप तो रेडी है, इस तरफ का क्लैंप का शेप लेके लेथ पे जाके वो बनवा के लेके आते हैं। सो गाइज, अभी हो रहा है 4:50 एंड दोनों बाइक की फिटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। एंड अभी वॉश होके पॉलिश होके गाड़ी को जो है डिलीवर करना है। साथ में ये वाली बाइक अभी चली जाएगी, दर्शन की बाइक है एंड ये सलमान भाई की बाइक है, वो भी आज चले जाएगी। तो ये दोनों बाइक आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप कमेंट करके बताओ। दोनों में अलग किट लगा है, इसमें जो है V3 कन्वर्जन किट है, मतलब साइड का V3 करेगा, अंडरबेली 4.0 है एंड हेड जो है R1 का है, जो V3 का स्टॉक हेड आता है वो वाला।
एंड उसमें दोनों में से कौन सा हेड आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताना। ये हेड दूसरा है जो V3 में डायरेक्ट फिट होता है एंड ये हेड है अपनी R1 वाला। सो गाइस बोथ द बाइक्स आर रेडी, ये वाली भी और ये वाली भी। जैसे अपना चैलेंज था 24 आवर्स में दो बाइक रेडी करने का, तो दोनों हो चुकी है। अभी देखो रात भर काम किया, दिन भर काम किया एंड फाइनली जो है पूरी बाइक की फिटिंग होने वाली हो चुकी है। एंड इसमें भी देख सकते हो कि पूरा कंप्लीट पेंट जॉब जो हुआ है सिल्वर ब्लैक एंड ब्लू कलर में। और जो ये ब्लू है वो यामा का रेसिंग ब्लू है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें उन्होंने अंडरबेली 4.0 इंस्टॉल किया। ये वाला जो पैनल है ये R15 V3 का स्टॉक पैनल है। ये टैंक कवर इसमें इंस्टॉल किया है, टेल पैनल इंस्टॉल किया है इसमें। एंड फ्रंट का जो हेड है वो R1 V3 का जो डायरेक्ट R1 वाला आता है वो आता है। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है एंड इसको यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरीके से इसका कुछ लुक आ रहा है। और ये वाली बाइक भी R1M पे बेस पे बनी है एंड इसका जो पूरा कंप्लीट बॉडी किट चेंज हुआ है। दोनों गाड़ी में आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, थोड़ी बल्की दिखती है और ये जो है आपको स्टॉक पे मतलब स्लिम दिखती है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे इसका फेस देखो, ये कितना मस्कुलर दिख रहा है आपको। एंड इसका फेस देखो थोड़ा सा आपको ये थोड़ा स्लिम दिखेगा। दोनों बॉडी किट है अवेलेबल अपने पास, ये भी V2 की बॉडी किट है, वो भी V2 की बॉडी किट है। पूरा कंप्लीट फिटिंग इसका हुआ है एंड इसका ओवरऑल बजट 38,000 के आसपास का था एंड उसका जो है 40 के आसपास का था। मतलब दोनों का बजट आप लोगों को मैंने बता दिया। और दोनों बाइक में ऑलमोस्ट सारी एसेसरीज इंक्लूड की है इसमें भी और उसमें भी, जितने भी हो सकते हैं जैसे मिरर्स हो गया, अपना इंडिकेटर्स हो गए। इसमें ब्रेम्बो किट इंस्टॉल हुई है, वायरस उसमें नहीं हुई है। ब्रेम्बो किट यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से दिख रही है। इससे बाइक और कॉकपिट ना एकदम ब्यूटीफुल लगता है। ये देखो यहाँ का एक रबर मिसिंग है जो यहाँ पे ऑर्डर किया है, थोड़ी दिन में आ जाएगा यहाँ पे जो आप रबर देखने वाला जो डायरेक्टली V3 का यहाँ पे लग जाता है। सो गाइस ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आप बताओ कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आई, ये वाली के ये वाली, कमेंट डाउन बिलो। और करते इस वीडियो को मिलते अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।